हाँ जी सत श्री अकाल जी, की हाल ने? आई होप तुसी सारे वधिया होवोगे ते खुश होवोगे ते हमेशा खुश रहा करो जी। अज दी वीडियो च आपां गल करन जा रहे हैं क्रोशिया वर्क परमिट दे बारे कि क्रोशिया दे विच बहुत लोकी अपने पंजाब दे वीर भैन भरा जाना चाहते हैं। वो पुछदे कि तुसी किन्ना कु पैसा कमा लांगे, किन्नी कु सैलरी हैगी है। सो मैं इस वीडियो नूं हुण आपां पहले पार्ट दे विच मैं तुहानूं दसांगा कि किन्ने पैसे तुसी उत्थे जाके कमा सकदे हो, किहड़े काम दे विच किन्ना पैसा मिलता है। मीट प्रोडक्शन दे विच तुसी नियर अबाउट जिहड़ी तुहाडी सैलरी दिंदी है जी, वह 500 तों लैके 550 यूरो तुसी महीना कमा सकते हो जी। तो मीट पैकिंग की गल करिए तो सेम सैलरी इन्हें भी तुहानू 500 तो 550 यूरो ईजली मिल जाता है। एंड तुहानू इन्हें एक गल होर दसदा कि क्रोशिया बहुत जल्दी जिहड़ा कि शेंगन जोन का पार्ट बनन जा रहा, बट कन्फर्म नहीं हैगा अजे। सो जिदा भी कन्फर्म होएगा मैं तुहाडे नाल बिल्कुल शेयर करांगा। बहुत ज़्यादा जिहड़ियां न्यूज़ जिहड़ियां ने अपडेशन चल रही है, क्रोशिया बहुत जल्दी जिहड़ा शेंगन जोन का पार्ट बन जाएगा। सो सैलरी उत्थे तुहानू यूरो दे विच मिलेगी, बट क्रोशिया दे विच जिहड़ी करंसी जिहड़ी है वो डिफरेंट हैगी है। बट स्टिल हुण उत्थे यूरो चलना स्टार्ट हो जाएगा 2023 तो तुहाडी सैलरी भी जिहड़ी होया करेगी वर्क परमिट ते वो तुहानू यूरो दे विच मिलिया करेगी। अगर आपां गल करिए क्लीनिंग दे काम दे विच किन्ना कु पैसा मिल जांदा, सो क्लीनिंग दे काम दे विच तुसीं 450 यूरो तों लै के 500 यूरो ईजली तुसीं अर्न करना शुरू कर देंदे हो। तुहाडे वर्क परमिट जिहड़ा हुंदा उत्थे तुहाडी सैलरी ईजली मैनशन हुंदी है, 450 तों लै के 500 यूरो तक तुहाडी सैलरी होवेगी। एंड अगर आपां गल करिए कंस्ट्रक्शन वर्क दी या वर्क वेयरहाउस दी, वेयरहाउस ते कंस्ट्रक्शन वर्क दे विच तुसीं कुछ ज़्यादा पैसा कमा लैंदे हो। उहदे च नियर अबाउट तुसीं 600 तों लै के 650 यूरो तुसीं ईजली अर्न कर लेंगे जी। अकोमोडेशन तो फूड तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कई कंपनी जी प्रोवाइड कर दें, बट ऑलमोस्ट अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिल जाती है। अगर तुहाडे कोल कोई भी स्किल्ड वर्क है, मान के चलो तुसी प्लंबिंग का काम करते हो, कोई इलैक्ट्रीशियन का काम करते हो या कोई टाइलों फिक्स करन का काम करते हो, इन्हें दे विच भी तुसी 650 यूरो तक ईजली जिहड़ा हैगा तुहाडी मंथली सैलरी बन जाती है। अकोमोडेशन फूड तुहानू हमेशा सारियां कंपनीज वालों फ्री मिलता है, बट कई कंपनियां फूड्स जिहड़ियां तुहानू नहीं प्रोवाइड करदियां, बट अकोमोडेशन तुहानू हमेशा ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो अगर आप गल करिए बेसिक लैवल की गल करिए बेसिक 450 यूरो तो सैलरी क्रोशिया दे विच स्टार्ट हो जाती है। एंड ये 650 यूरो तक मंथली तुसी अर्न कर सकते हो क्रोशिया दे विच। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हैगा सी वर्क परमिट दे रिगार्डिंग क्रोशिया दा कि तुसी उत्थे किन्ना कु पैसा अर्न कर सकते हो, ताकि तुहाडे दिमाग दे विच ना होवे कि तुसी उत्थे लाख रुपया कमा लोगे। ठीक है, तुहाडी सैलरी जिहड़ी है बेसिक सैलरी 450 तों लैके 650 दे विच वैरी करेगी, तुहाडा काम किहड़ा हैगा जिवें तुहानू मैं एक्सप्लेन कीता वीडियो दे विच जी। एंड जदों भी तुसी क्रोशिया दा वर्क परमिट अप्लाई करदे हो अंबैसी वल्लों तुहानू टाइप डी वीज़ा अप्लाई करना पैंदा है जी। एंड तुहाडे कोल वास्ते एक साल का वर्क वीज़ा तुहानू इशू किया जाता है। सो यह है कि जो तुहानू वर्क वीज़ा तुसी अप्लाई करना ना, तुहाडे कोल एक साल का वर्क वीज़ा होएगा टाइप डी वीज़ा, तुहाडे स्टिकर वीज़ा लगेगा तुहाडे पासपोर्ट ते, उहदे ते जिहड़ी वैलिडिटी होएगी एक साल की होएगी, उत्थे जाके तुहाडे रेजिडेंट कार्ड जिहड़े बनते हैं जी। ठीक है, जे तुसी उत्थे 5 साल काम कर लैंदे हो, 5 साल बाद तुसी उत्थे PR वास्ते भी एलिजिबल हो जाते हो, मतलब कि तुसी उत्थे सिटीजन भी लै सकते हो, क्योंकि तुसी उत्थे 5 साल काम किया है, तुसी टैक्स पे किए हैं, टैक्स पे करन दे नाल नाल तुसी उत्थों दी सिटीजन लैण वास्ते भी एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर 5 ईयर। हुण आपां गल करदे हां जी डॉक्यूमेंट्स दी। क्रोशिया दे विच अगर तुसी वर्क परमिट अप्लाई करदे हो तो कौन कौन अप्लाई कर सकदा है? सो क्रोशिया दे विच तुसी 10वीं पास वाले भी अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकदे हो जी, बिल्कुल राइट है। एंड बेसिक तुहानू इंग्लिश आनी चाहिए है, तुहाडे कोल पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट तो बाद तुहाडे कोल PCC होनी चाहिए है, तुहाडे कोल मैडिकल होना चाहिए है। PCC जिहड़ी होएगी वो तुहाडी पासपोर्ट ऑफिस तो होएगी, ना कि SP ऑफिस तो होएगी। SP ऑफिस तो करवा सकते हो, बट स्टिल उत्थे किते ना किते चांसिस हुंदे ने रिजैक्शन आने, बट जे तुसी पासपोर्ट ऑफिस तो करवाउंदे हो उहदे ते टाइम जरूर लगता है, बट मैं प्रैफर करांगा कि हमेशा पासपोर्ट ऑफिस तो ही तुसी अपनी PCC करवाओ जिहड़ी कि बिल्कुल वैलिड हुंदी है। क्रोशिया वर्क परमिट दा प्रोसैसिंग टाइम की गल करिए तो प्रोसैसिंग टाइम नियर अबाउट साढ़े 3 महीने लग जाते हैं जी, 3 तो 4 महीने। एंड अगर आप गल करिए सक्सैस रेट की, क्रोशिया वर्क परमिट का सक्सैस रेट भी बहुत वधिया ते हाईली सक्सैस रेट हैगा, बट स्टिल एक गल होर दसदा कि क्रोशिया का वर्क परमिट जिहड़ा हैगा तुसीं इन्ने ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते, तो क्रोशिया का टूरिस्ट वीज़ा लैके तुसीं उत्थे चले जाओ, उत्थे काम लभो, उत्थे स्पोंसर लभो, इंप्लॉयर लभो, तो डायरैक्टली उहदे कोल स्पोंसरशिप लैके इंडिया तो तुसीं अपना वर्क वीज़ा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे विच भी अप्लाई कर सकते हो। सो ये जिहड़ियां सैलरीज, प्रोसैसिंग टाइम, ये सारा तां जे चीज़ां तुहाडियां सेम रहणगियां, बट जिहड़ा एजेंट नूं तुसीं 3 लाख 4 लाख दे बजट दे विच अगर तुसीं क्रोशिया वर्क परमिट लैन जा रहे हो, तो तुसीं जे ये बचाना चाहते हो तो तुसीं क्रोशिया का टूरिस्ट वीज़ा लैके बड़ा ईजली मिल जाता अपन इंडियंस नूं, राइट। उत्थे जाके इंप्लॉयर लभ के, ठीक है, तो उन्हां कोल स्पोंसरशिप लैके तो तुसीं अपना वीज़ा जिहड़ा इंडिया तो खुद भी अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे विच, कोई भी ज़्यादा चार्जिज नहीं लगते। मैं हाँ जी तुसीं अपने आप अप्लाई करते हो तो 1-1.5 लाख दे विच काम हो जाता, तुहाडा एजेंट कोलों जाते हो तो कोई 4 मंग रहा, कोई 4.5 मंग रहा, कोई 5 लाख रुपये भी मंग रहा, वो डिपेंड करता कि तुसीं काम किहड़ा कर रहे हो। सो ये ओवरव्यू सी एक क्रोशिया वर्क परमिट का। अगर तुहानू किसी होर कंट्री का ओवरव्यू चाहिए, सैलरीज की नहीं उत्थे, प्रोसैसिंग टाइम की है, सक्सैस रेट की है उस कंट्री का, सो प्लीज़ कमेंट करके अपनी कंट्रीज़ के नाम जरूर दस्सिया जी, ताकि आप एक पर्टिकुलर वीडियो बना के तुहानू वो इनफॉर्मेशन दे पाइए।
मिलते हैं अगली वीडियो के, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लव यू सारे, टेक केयर जी।